कैसे हो आप साहब? आई होप एकदम मस्त वस्त एक नंबर ला रही है। लूट रहे होंगे, चौचक होंगे, और दिन के बज रहे 12:47 में मुनवा जबरदस्ती जगा दिया और उसके रूम पे जा रहा हूँ खाना खाने, क्योंकि मैं सोया ही था बहुत लेट और उठता पता नहीं कब बना था। तो आज रात में ना इंशाल्लाह जरूर बनाऊंगा, अभी खा के जाऊंगा। मैं सब बर्तन वर्तन में आज के तरतीब करूंगा, जो भी साफ करना होगा धो धा के, एंड रात को खाना बनाऊंगा। बनाने में खाना वही सोचा था कि दाल बनाऊंगा और चावल और अंडा लाके भूजूंगा। तो चलो अभी जा रहे हैं मुनवा के रूम पे। बाकी ये देखो धूप इतनी तगड़ी, बाप रे, ये देखो रोड। चलो अभी मिलते हैं। ग्रुप मस्त बैठ के रूम पे अपना काम कर रहे थे, अभी जस्ट कॉल आया कि जाओ बेत मनायर के घर, मुझे सामान देना था यहाँ पे और यहाँ से भी कुछ सामान लेना था। और मैडम ने अपना कार रख दिया, बोला कि वहाँ लड़की लोकेशन देगी, वहाँ जाओ और सामान लेके आओ। तो अभी जा रहे हैं लोकेशन पे, यहीं बाजू में है, जो 4 मिनट लगेंगे मुझे जाने में। वहाँ जाके फिर मैडम से बात कराएंगे, जो भी सामान लेना होगा मैडम को बोलेंगे, ऑर्डर करेंगे। ना तो ये काम नहीं ऑर्डर वाडर करना, इतनी अरबी भी नहीं आती। और क्या समोसा वमोसा दी है। और सुबह दोपहर में मैं खाना खाने के बाद आया तो फिर ड्यूटी नहीं लगी, मस्त अपने रूम पे ही लेटा था, सोया था। फिर आया तो नहाया और नहा के फिर यही कपड़ा पहन लिया। ये मत सोचो कि अरे अभी कल ही पहने थे तो क्या बार बार चेंज करे। और ये देखो रात को तो ये पार्टी करने वहाँ नहीं गिरहन गई थी, हो सकता आज गई थी, बस लेडीज ही गई थी, पता नहीं किसके साथ गई थी, लाने बस मैं गया था। सो गाइस, बहुत लोगों को मेरे बारे में नहीं पता ये कहाँ रहता है क्या करता है। तो ग्रु हम हैं बिलोंग, हम जो बिलोंग करते हैं हमारा होम टाउन है, हम इंडिया से बिलोंग करते हैं। हमारा होम टाउन में यूपी में एक छोटा सा गांव है, मऊ जिला है, उसमें एक छोटा सा गांव है नसीरपुर, मैं वहां से बिलोंग करता हूं। और यहां सऊदी अरब में मैं पैसे कमाने के लिए आया हूं। लाइक नॉर्मली सबके घर में प्रॉब्लम होती है, तो मेरे घर में भी प्रॉब्लम है, नहीं कोई कमाने वाला, तो हम चले आए सऊदी कमाने। बहुत लोग सऊदी रहते हैं, आ जाए इधर कमा ले, हम भी आगे देख लिए। 6 साल हो गए मुझे सऊदी में, बड़ी भीड़ हो रही यार गुरु यहाँ पे। अभी जा रहे हैं हम, बस यहाँ पहुँचने वाले, 4 मिनट में बोले थे ना बस पहुँचने वाले, 4 मिनट लोकेशन में दिखा रहा था लड़की का। मैडम तो लग रहा फोन आ रहा है, 1 सेकेंड। इनको एकदम एरोप्लेन बना दो कि बस बैठे एकदम उड़ाए और जहाँ जाना वहीं लैंडिंग कर दे, ऐसा थोड़ी बड़ी बकचोदी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो गुरु आ गए हैं लोकेशन पे, अरे यहीं से एंटर करना है, हाँ यहीं से, सॉरी बड़ी। तो गुरु पहले यहाँ लेते हैं सामान अंदर, उसके बाद मैं दिखाता हूँ कहाँ से यहाँ। ये नई नई अभी मार्केट बनी है, दिखाते हैं वो भी, देखो सामान। और ये रही दुकान, ये आई थिंक नई अभी नई खुली है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको। और ये रहा कॉफ़ी शॉप यहाँ पे, इसमें हमारा एक दोस्त काम करता है। तो अब चलते हैं ग्रुप घर, क्योंकि मैडम है रोज़ा, कह रही जल्दी आओ। उनका ठीक रोज़ा ख़त्म हो गया, इनका रोज़ा नहीं ख़त्म हुआ ऐसे, बाकी तो मेरा भी एक है। और ये रहा कुछ लोकेशन, मिलते हैं अभी। अब यहाँ से ग्रुप अब चलेंगे डायरेक्ट घर, और ये जो सामान है दोनों ये दे देंगे, और देखते हैं क्या होता है फिर कहाँ जाना होता है। दिख रहा है खुला हुआ है, लेकिन पहुँचते लग रहा है बंद हो जाएगा। बंद हो गया। अलग रास्ते मुझे देख रहे हैं, ये देख लें नया क्लिनिक खुला। अगर जब मैडम बोले रॉयल क्लिनिक तो चले आओ यहाँ, ये अलराजी बैंक के पास जो इशारा वहीं पे इशारा खुल गया गुरु। ये है कैमरा वाला इशारा, 3,000-6,000 का आएगा। चलो आए अभी और सामान दे के तुरंत, कैमरे में कुछ लगा है क्या? और बुड्ढी को सामान दे के, और लड़की जहाँ जॉब करती है आई थिंक उसका कुछ सामान है। मैडम बोली है कि मामा बोली है कि काम करो, ये सामान लेके जाओ तुम, दे दो तुरंत। हम कह चलो ठीक, अभी जस्ट जा रहे देख के फिर तुरंत आएगा। अभी रास्ते में थे ना तो मोहल्ले की गली में ही मैडम का भाई आया, डीपर दे रहा था, कहाँ जा रहा था। अभी जाते हैं रूम पे, देखते हैं उससे भी मुलाकात करेंगे। वो बोल रहा था कि तुमसे काम है। हम कह ठीक है, हो सकता है गुरु हदिया वदिया मिले, पैसा वैसा दे, चलो फिर मिलते हैं। यही सामान है, ये रखा है वही सामान है ये। चलो अब देख, क्योंकि सारा पे खड़े हैं और भीड़ तो बहुत हो रही है गुरु। ये देखो रेंज रोवर गई, ये गई रेंज रोवर, मिलते हैं अभी। हाँ ड्यूटी करके आए थे, मस्त जा रहे थे खाना बनाने, काट पीट के रेडी कर दिए। मुन्ना था रूम पे, वो मैगी बना रहा है। हम कह लड़की का मैसेज आ गया कि वो
लोकेशन भेजिए करिए, जाओ शायद किसी होटल होटल का है पिज्जा उस जगह, जा रहे हैं वहाँ, वो ऑर्डर देंगी लेके आएंगे, तो जब तक आएंगे घर पे तब तक तो दाल रेडी, वकाला से रुक के रोटी ले लेंगे, और आज रात का खाना सिंपल चटनी दाल चावल रोटी बस, हम लहरिया लूट के खाएंगे, मजा आ जाएगा। ठीक, चलो अभी दिखाते हैं हम कहाँ जा रहे हैं, अभी तो फिलहाल रास्ते में है। लुरीत इशारा, लुरीत इशारा, लुरीत इशारा के पास यहीं से इशारा मारेंगे, ठाक से पहुंच जाएंगे। इसमें 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 प्रेड प्रेडेस्ट पता नहीं क्या नाम है, इंग्लिश भैया पढ़े लिखे नहीं, इसमें जाना है। और ये भी नई मार्केट बनी है, नई मार्केट बनी, जैसे वो दिखाया था ना कुछ देर पहले, वो नई मार्केट थी दोपहर में, और ये भी नई मार्केट ही है। चलो देखते हैं क्या है। गाइस आज ज़्यादा कुछ था नहीं, अभी जस्ट मैंने खाना वाना खा के अब बस एंड ही कर देता हूँ। पता नहीं लड़की का या मैडम का फ़ोन आया, और जब तक मैंने उठाने की कोशिश की तब तक कट गया। सो, बाकी बाहर जितनी भी गाड़ियाँ थी सब चली गई, और ज़्यादा आज काम भी नहीं था, थोड़ा बहुत काम लगा। सो इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना प्यार बनाएं दिखाएं मुझे। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, मां सलामत, बाय बाय।